बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुजीब रहमान अबड़ो है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं शुगर का आलमी दिन। ये हम क्यों मनाते हैं? हम ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में शुगर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन हर चौथा पाँचवा फर्द इस मर्ज़ में मुबतला हो चुका है। अब हम इस मर्ज से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हमें पता करना चाहिए कि हमें शुगर है या नहीं है। तो हमारे पास कुछ स्क्रीनिंग टूल होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। तो हम स्क्रीनिंग टूल उसमें इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों को कोई भी अलामत नहीं होती हैं। ये स्क्रीनिंग टूल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जिसका नाम है रैपिड स्कोर, जिसमें हम 3 सवाल करते हैं। एक सवाल ये होता है कि हमारी उम्र कितनी है। अगर हमारी उम्र 40 और 50 साल के बीच में है तो इसमें हम स्कोर में 1 डालेंगे। अगर हमारी उम्र 40 साल से कम है तो स्कोर बनेगा 0। हमारी उम्र अगर 50 साल से ज़्यादा है तो स्कोर बनेगा 3। तो हम एक सवाल तो पता लग गया कि हमारी उम्र 40 साल से कम है, 40 है या 50 से ऊपर है। और दूसरा सवाल ये आता है कि हमारे बहन भाई अम्मी अबू को किसी को भी अगर शुगर है तो हम इसको डालेंगे 1। अगर किसी को भी कोई शुगर नहीं है, हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री शुगर में नहीं है, तो हम इसको डालेंगे 0। तो दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल ये होता है कि हमारी जो ये कमर होती है, हम मर्दों में अगर 35.5 इंच से ज़्यादा है तो हम इस स्कोरिंग सिस्टम में अपना स्कोर डालेंगे 2। अगर 35.5 इंच से कम है तो स्कोर डालेंगे 0। और ये ख्वातीन में ये होता है कि ये 31.5 इंच होती है, अगर उससे ज़्यादा है तो 2, अगर उससे कम है तो 0। तो ये 3 सवाल हो गए। तो तीनों सवालों को मिला के हमारा अगर स्कोर 4 बन रहा है या 4 से ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ शुगर है या होने वाली है। तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। तो आप करीबी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो टेस्ट एडवाइस करेगा। अब स्क्रीनिंग के बाद जो आता है वो हम करवाते हैं टेस्ट। और टेस्ट में हम 3 टेस्ट करवाते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है होमोग्लोबिन A1C जिसे हम, और तीसरा होता है OGTT जिसे हम 2 ग्लूकोज पिला के 2 घंटे के बाद हम उसका शुगर टेस्ट करते हैं। इन तीनों टेस्टों में अगर कोई भी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है कि आपको शुगर हो गई है। तो अगर किसी भी बंदे के ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो मेरा मैसेज ये है कि आप करीबी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और वो जो भी आपको एडवाइस करता है, वो जो भी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी डेली रूटीन में जो तब्दीलियां लाता है और आपकी जो डाइट में जो तब्दीली आएगी, उसको आप फॉलो करें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें, ताकि हम इस बीमारी को रोक सकें। और जो हम अपने आप को और हम अपने प्यारों को, अपनी फैमिली को इस बीमारी से बचा सकें। तो थैंक यू सो मच।